नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत भाइयों के पास ये कमेंट आते थे कि सर, जैसे हमारा चार्जिंग जैक है वो पूरी तरीके से वहाँ से प्रिंट ख़राब हो जाए तो हम उसको किस तरीके से लगा सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर चार्जिंग जैक के जो माइनस और प्लस प्रिंट है वो तो हैं, लेकिन जहाँ पर हम चार्जिंग जैक को प्रॉपर तरीके से फिक्स करते हैं सोल्डिंग करके, वो इसके सारे प्रिंट ख़राब हो गए हैं। अब हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चार्जिंग जैक को लगा भी देंगे तो यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से है वो फिक्स नहीं बैठ पाएगा और कुछ दिन बाद फिर दोबारा हिल के वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। और यहाँ पर ये जो काम है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से होगा इसके अंदर, ये देखिए, ये बैटरी वाला जो कनेक्टर है, ये देखिए बैटरी का कनेक्टर है, यहाँ पर हम दो वायर लगाएंगे, ये देखिए, और इसके ऊपर आपको माइनस प्लस देख के लगाना है। तो ये देखिए, ये मैं माइनस प्लस जो वायर है ये लगा देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये जो प्लस वाला वायर है ये मैंने येलो वाला लगाया और माइनस पे ग्रीन वाला वायर लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए, अब ये जो दो वायर हैं ये हम लगाएंगे, ये जो हमारा 40-56 मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के बैटरी के माइनस और प्लस पे। तो ये देखिए, ये हम माइनस कर देते हैं इसके अंदर और ये हम प्लस पे लगा देते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ माइनस और प्लस पे ही ये जो वायरिंग है ये लगानी है। और यहाँ पर जो आउटपुट पे है इस पर कोई भी वायर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें BMS का यूज नहीं करना, हमें सिर्फ चार्जिंग बोर्ड का यूज करना है। BMS का यूज करते हैं तब आउटपुट लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे देखिए कनेक्शन हो गए। अब ये देखिए, ये माइनस प्लस यहाँ लग गया और डायरेक्ट जो है बैटरी के बोर्ड पे लग गया। अब इसको हम बोर्ड को टेस्ट करते हैं कि ये टेस्टिंग में किस तरीके से काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं करता हूँ इस बोर्ड की टेस्टिंग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो स्पीकर है इसको लगा देते हैं, ये स्पीकर हमने यहाँ लगा दिया, और दूसरा जो स्पीकर है वो इधर लगा देते हैं, क्योंकि ये दो आईसी वाला बोर्ड है। इसके अंदर यहाँ देखिए ऑडियो आईसी दो है, तो ये दोनों लग गए। और एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर हम, ये देखिए यहाँ पर हमारी बैटरी कनेक्ट हो गई। अब मैं बोर्ड को ऑन कर लेता हूँ, तो ये बोर्ड ऑन हो जाता है हमारा यहाँ से, ये देखिए बोर्ड हमारा ऑन हो गया, ये देखिए बोर्ड ऑन हो गया। और जब हम इसे चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग करने के टाइम पे यहाँ पर जैसे हम जिसमें, तो मैं इसके अंदर आपको चार्जिंग भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए चार्जिंग, यहाँ पर हमने चार्जर लगा दिया, देखिए चार्जिंग चालू हो गई है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज भी चेक कराता हूँ, वोल्टेज जो हमारी चार्जिंग वोल्टेज है वो कितना आ रही है। तो ये देखिए मल्टीमीटर में आप देखिए, बैटरी के ऊपर जो चार्जिंग वोल्टेज है वो प्रॉपर उतनी ही वोल्टेज मिल रही होगी जितनी हमें चार्जिंग में वोल्टेज चाहिए। ये देखिए 4.1 वोल्ट आ रही है, और यहाँ पर प्रॉपर हमारी बैटरी सही तरीके से चार्ज होएगी। अब देखिए, चार्जर निकालने के बाद जो हमारी बैटरी की वोल्टेज है वो कितनी है, ये देखिए, ये यहाँ से हमने बैटरी को निकाल दिया, देखिए बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 4.0। तो यहाँ पर चार्जिंग भी बढ़िया होगा, आपकी जो बैटरी है वो भी ख़राब नहीं होगी। और इस तरीके से आप कोई भी मॉड्यूल को सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मॉड्यूल बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस तरीके से लग गया है कि यहाँ पर आपको एक तो वायरिंग ज़्यादा नहीं इसमें करनी पड़ेगी, सिर्फ दो वायर बैटरी की वायर उठा के सीधा आपके मॉड्यूल पे लगा देनी। अब इस मॉड्यूल को आप कहीं भी फिक्स कर सकते हैं बोर्ड के अंदर, चाहे तो इस तरीके से यहाँ इस बोर्ड को इस तरीके से कहीं भी फिक्स कर सकते हैं लगा के, या यहाँ ऊपर साइड में चिपका सकते हैं कहीं भी, या अलग इस बोर्ड में जो है कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।